दबदबा रखना, तो नाम अपने इलाके का कर बना। अल्लाह क्या कहते हैं, चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। नबी की दोष पे आकर हुसैन बैठे थे, बड़ा सवाब है कांधे पे ताजिया, बड़ा सवाब है में गए। आका इमाम हुसैन जब तवील कर दे, तूल कर दे, लंबा कर दे। क्यों? इसकी वजह क्या थी? मसले नूरे हिदायत की जलाने वाला, बच्चा बच्चा अबू तालिब के घर आने वाला। और लंबा क्यों किया? तूल कर सजदे को अहमद से कहो, ए जिब्रील पुश्त पर बैठा है उम्मत को बचा, पुश्त पर बैठा है उम्मत को बचाने वाला। तो कौन इनके शायर ने शेर कहा, दरवाजा
सहरा के बाहर क्यों खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। तो बोला मलक उल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, बोला मलक उल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, और कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। कदम कैसे ले दो बेटा, ले दो कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। अब हिम्मत क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो जानता है फरिश्ता रहता है जो भी दयारे जन्नत में, फरिश्ता रहता है जो भी दयारे जन्नत में, रसूल जादी की अजमत को खूब जानता है, रसूल जादी की अजमत को खूब जानता है। ये सोच कर मलक उल मौत रुक गया दर पर, ये सोच कर मलक उल मौत रुक गया दर पर, ये सोच कर मलक उल मौत रुक गया दर पर, कि खुदा भी फातिमा जहरा की बात मानता है। वालिदा फातिमा बिनत असद आपकी बीवी चौजा फातिमा तुज़्ज़हरा, आपकी जो दूसरी बीवी है फातिमा उम्मे बनीन, मुलाहिज़ा फरमाए, उनसे जब हजरत अब्बास अलमदार पैदा हुए तो शायर ने शेर कहा है दूसरी बीवी के लिए, अजमत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया, अजमत उम्मुल बनी में ये शहर अली इसका दरवाजा है। सुन लीजिए, अजमत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया, कुछ पढ़ूँ या कुछ सुनाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ। जब हजरत अली पैदा हुए तो आपने अपनी आंखें नहीं खोली, ना कोशिश के बावजूद आपने आंखें नहीं खोली। जब हमारे आका को मालूम हुआ कि आपके चचा के घर बैठा हुआ है मगर नाबीना है, जैसे हमारे आका अली के सामने पहुँचे, अली के सामने गए, अली ने आँखें खोली, सबसे पहला चेहरा नबी का देखा। शेर सुनिए, सबसे पहले चेहरा नबी का देखा, कैसा नसीब देखिए मौला अली का है, कैसा नसीब देखिए मौला अली का है, आंखें खुली तो सामने चेहरा नबी का है, आंखें खुली तो सामने चेहरा नबी का है, आंखें खुली तो सामने चेहरा नबी का है। सरकार ने आपको गोद में उठाया, दुआ मुबारक आपके मुंह में, सहाबाओं ने कहा सरकार ये क्या कर रहे हैं? सरकार फरमाते हैं कि अली को इल्म दे रहा हूं। मुलाहिज़ा फरमाए, मिठास इसलिए हक ने सुबह में रखा है, मिठास इसलिए हक ने सुबह में रखा है, और मेरे अली ने लुआबे रसूल चखा है, ओ मेरे अली ने लुआबे रसूल चखा है, मेरे अली ने लुआबे We'll be right back.
मार के हमेशा इसी फिक्र में अबू तालिब कैसे दुश्मन हाथ लगाकर सरकार को कत्ल करने के चक्कर में थे। सरकार अबू तालिब हमारे आका को उनकी जगह से उठाकर उनकी जगह पर अली को सुला दिया। एक दिन आका ने पूछा, चचा आप मुझे उठाकर दूसरी जगह सुलाते हैं, मेरी जगह अली को सुलाते हैं, ये क्या माजरा है? ये बेटा तुझे कत्ल करने वाले बहुत हैं, मैं चाहता हूँ कि तुझे कत्ल करने आए तू बच जाए, अली मर जाए मगर तू बच जाए। तो रहे हमेशा इसी फिक्र में अबू तालिब, रहे जहां में मोहम्मद अली रहे ना रहे, रहे जहां में मोहम्मद अली रहे ना रहे। सुनिए मेरा दिल है चलो तारीख की जानिब निकलते हैं, मेरा दिल है चलो तारीख की जानिब निकलते हैं, अबू तालिब से जो चलते हैं उनके पास चलते हैं, अबू तालिब से जो चलते हैं उनके पास चलते हैं। मुझे बताए जरा क्या बात, अबू तालिब से जो चलते हैं उनके पास चलते हैं, पूछते हैं कि मुझे बताए जरा दुश्मन अबू तालिब, मुझे बताए जरा दुश्मन अबू तालिब, कभी काफिर नबूवत के लिए बिस्तर बदलते हैं, कभी काफिर नबूवत के लिए बिस्तर बदलते हैं। अबू तालिब तुम्हारे रिस्क की असमत का क्या कहना, अबू तालिब तुम्हारे रिस्क की असमत का क्या कहना, अबू तालिब तुम्हारे रिस्क की असमत का क्या कहना, मोहम्मद और अली जैसे तुम्हारे घर में पलते हैं। रखते तेरे वालिद से जलते हैं, कुल्ले ईमान के बाप का तस्करा, कुल्ले ईमान के बाप का तस्करा, अहले इस्लाम है अहले ईमान है, अहले इस्लाम है अहले ईमान है, कुछ मुसलमान कहते हैं काफिर है वो, कुछ मुसलमान कहते हैं काफिर है वो, काफिरों ने कहा वो मुसलमान है, काफिरों ने कहा वो मुसलमान है, काफिरों ने कहा वो मुसलमान है। ये बात सुन ले, जो कहते हैं ये जो कहते हैं काफिर कसम खुदा की शेर सुन ले, इसका जवाब दे दे बस मैं मान जाऊंगा। ये बात सुन ले जरा दुश्मन अबू तालिब, ये बात सुन ले जरा दुश्मन अबू तालिब, रसूल कुफर के साए में पल नहीं सकते, क्या बात है।
यानी मिट्टी का बाप। राजा फरमाए वो तराब यानी मिट्टी का बाप। अब शेर सुन ले। अजाब कब्र का डर है, अजाब कब्र का भी डर है और उनसे दुश्मनी भी। यूं डर रहे हो कि कब्र में क्या होगा, अली के बाप से दुश्मनी। अजाब कब्र का डर है तो उनसे बुक्स ना रख। अजाब कब्र का डर है तो उनसे बुक्स ना रख। क्यों? अजाब कब्र का डर है तो उनसे बुक्स ना रख। जमीन के बाप का भी बाप है अबू तालिब। सब कुछ लुटा दिया जाए और उभर के
आएगी उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर, उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर। अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए, मोहसिन इस्लाम के तुम उनके ईमान पर बहस कर रहे हो, तुम्हें अपने खुद का नहीं मालूम कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल है या नहीं। मोहसिन इस्लाम के ईमान पे लड़ना छोड़ दो, मोहसिन इस्लाम के ईमान पे लड़ना छोड़ दो। अनगिनत बापों की औलादों अकड़ना अगर किसी को दरे फातिमा पसंद नहीं, अगर किसी को दरे फातिमा पसंद नहीं, नहीं उससे पूछना नहीं तो फिर यूं कह दे मुझे लाइला पसंद नहीं। क्या बात है, तो फिर यूं कह दे मुझे लाइला पसंद नहीं। और सवाल तुझसे नहीं तेरी माँ से बनता है, सवाल तुझसे नहीं तेरी माँ से बनता है, पसंद बोलूंगा बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल वरना, जान से मार दो मुझको है यही हल वरना, अली बोलूंगा। Bye.
सलाम अल्लाह का वो मकाम है कि हमारी जबान में वो ताकत नहीं कि हम उनकी शान बयां करें। तन्हा नबी के इश्क की वारिस बतूल है, क्या बात है। तन्हा नबी के इश्क की वारिस बतूल है, पर्दा नशी न होती तो बिल्कुल रसूल है। आज की ख्वातीन को, औरतों को देखकर ये शेर हमेशा मेरे जहन में आता है। बाजार में करती हो जो तुम अपनी नुमाइश, ए बीबियों क्या याद तुम्हें कूफा नहीं है। ए बीबियों क्या याद तुम्हें कूफा नहीं है। खुतबा भी दिया खुतबा भी पढ़ाया था तो लहजे में अली के, खुतबा भी पढ़ाया था तो लहजे में अली के। जहरा की तो आवाज भी बेपर्दा नहीं है। बीबी मरियम आप भी बतूल हैं जिन्होंने हजरत ईसा को पैदा किया बगैर शोहर के, लेकिन आप छोटी बतूल हैं, फातिमा तो जहरा बड़ी बतूल है। तो आप भी सुना रहा हूँ। एक दिन फातिमा जहरा ने कहा कि बाबा, अपने बाबा से जन्नत में औरतों में सबसे पहले कौन जाएगा? कि बेटा मरियम जाएगी। आप थोड़ा मायूस हुई कि बेटी फातिमा क्या बात है, मैंने सोचा था बाबा आप ये कहेंगे कि फातिमा तू जाएगी, मगर आपने मरियम का नाम लिया। कि मैं बताता हूँ कि वो पहले कैसे जाएगी, जिस सवारी पे तू बैठी होगी, जिस घोड़े पे तू सवार होगी, उसकी लगाम मरियम के हाथ में होगी, वो तेरी कनीज बन के जाएगी, तू मालिक बन के जाएगी। शेर याद आ गया, मरियम का फातिमा से भला क्या मुकाबला, मरियम का फातिमा से भला क्या मुकाबला। और मरियम तो आबिदा है इबादत है फातिमा। याकूत है, याकूत है मरजान है हसने, याकूत है मरजान है हसने, याकूत है मरजान है हसने, याकूत है मरजान है हसने। सुन लीजिए मेरे बड़े अजीज दोस्त, मेरे भाई अय्यूब वासिम चिश्ती गरीब नवाज के बहुत बड़े दीवाने हैं, उन्होंने मक्ता कहा है, आसिम हो दो जहान से क्यों कर न बेनियाज। जब इस पे मेहरबान